नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के चर्चा में आज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। चर्चा में आज है मजदूर दिवस। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्रकार। दोस्तों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही मशहूर कविता है, जिसमें इन्होंने मजदूर के संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम आज भले ही मशीनीकरण के युग में हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों की महत्ता कम नहीं हुई है। उद्योग, व्यापार, कृषि और विनिर्माण जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में मजदूरों का विशेष योगदान है। आज की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सभी मजदूरों की ही बदौलत संभव हो पाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज 1 मई को मनाया जाने वाला मजदूर दिवस वैश्विक स्तर पर न सिर्फ एक उत्सव है, बल्कि यह दिवस मजदूरों की एकता और उनके संगठन की सफल कहानी को भी बयां करता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत उन मजदूरों के एक आंदोलन से हुई जो 15 घंटे तक काम किया करते थे। मजदूरों की मांग थी कि काम की अवधि 8 घंटे और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश हो। इसी मांग को लेकर शिकागो में मजदूर सड़कों पर उतर आए। इसी आंदोलन के दौरान अचानक एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भीड़ पर बम फेंका गया और फिर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। इसके बाद 1889 में पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन सभी मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा। तभी से भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में निर्धारित 8 घंटे काम करने की शुरुआत हुई। प्रत्येक वर्ष 1 मई को कामगार अपने हक की बात करते हैं और संबंधित अथॉरिटी से अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता सिंगारेवेलु चेट्टियार ने मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब आज़ादी के पहले लाल झंडे का उपयोग किया गया। भारत में लेबर डे को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मई दिवस, कामगार दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे या वर्कर डे भी कहा जाता है। गौरतलब है कि 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कामगारों को उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष एक थीम बनाई जाती है। जैसे 2019 में सभी के लिए अस्थाई पेंशन, सामाजिक भागीदारों की भूमिका। 2018 में सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए श्रमिकों को एकजुट करना था, जबकि आज 2020 के मजदूर दिवस की थीम स्टॉप द पेंडेमिक सुनिश्चित की गई है। मजदूरों को उनके हक दिलाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इसमें मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मजदूर हमारे समाज का वह हिस्सा है जिस पर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी हुई है, लेकिन दुखद, क्या हम उन मजदूरों को वह सब देने में सक्षम हैं? वह सम्मान, वो हक जिसका वो हकदार है? दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मजदूर दिवस के दिन हम मजदूरों की भावनाओं को समझकर उनके कार्यों को अहमियत देते हुए
उनको सम्मान की नज़रों से देखते हैं और एक सम्मान देते हैं। सरकारों से भी यही उम्मीद है कि भविष्य में इनके हित के लिए काम करेंगी। तो ये था हमारा चर्चा में आज कार्यक्रम। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो